हमारी गाड़ी में काम निकल गया था, काम करवाने के लिए पैसे नहीं थे, लेड ने मेरे को बोला था। भाई ये है हमारे स्टील बॉडी और इसका नाम है नज़ाकत भाई, नज़ाकत भाई गाड़ी धो रहे हैं। तो अभी इनसे कुछ मालूमात लेते हैं कि क्यों अभी इस टाइम तकरीबन 4:30-5 बजे गाड़ी क्यों उन्होंने खड़ी कर दी है और गाड़ी की धुलाई हो रही है, क्यों ये आप डाउन पर नहीं गए। हाँ नज़ाकत भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, गरम मालिक का आप सुना भाई, क्यों आपने गाड़ी खड़ी कर दी और आप डाउन पर नहीं गए? यार दादा क्या बताऊँ, समझ में परसों में आ रहा था तीसरे आपडन पे, अच्छा हैदराबाद पे खड़े हुए थे वो अपना ट्रैफिक वाले, हाँ ट्रैफिक वाले, अच्छा उन लोगों ने झटका मटका दिया, बोल रहे भाई गाड़ी हटाओ यहाँ से। मैंने क्लच पकड़ के गियर मारी तो गियर से आवाज़ आ गया, गियर टूट गया। टूट गया यार, अच्छा गियर 42,000 रुपये का। अल्लाह हू अकबर। हाँ सिलावे बंदा 42,000 रुपये, बड़ा परेशान लगा हुआ था, 3-4 दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी, समझ में सही। फिर एक यार दोस्त था मैकेनिक, उसके पास गया, सही बेचारे ने हमारे ऊपर ना मेहरबानी कर दी, सही मेरे मेरे जो सामान पुराना पड़ा हुआ था वो लगा लो, मतलब जुगाड़ करके उसने दे दिया, जुगाड़ करके दे दिया, समझ में है ना। सही, हम लोग समझते हैं कि यार पता नहीं ये लोग पता नहीं कितना पैसा कमाते हैं, तो मेरे का हाल आप बिल्कुल ये बात सही है आपकी। आप एक आपडाउन लगाते हैं आपको कितना बचता है? भाई हम लोग आपडाउन मारते हैं ना, सही, तो हमारा 1100 रुपये का केस है, सही, और ना 400 रुपये अट्टे वाले लेते हैं बता। हाँ अच्छा, और ना 100 रुपया गुंडा गर्दी लेते हैं, 700 रुपये की मंथली कौन के नाम की, ये कौन होते हैं? ये भी अड्डे ही वाले पुलिस के नाम के लेते हैं ना, कि भाई हम पुलिस वालों को देते हैं, अच्छा समझ में। 100 रुपया की गाड़ी, अभी आप मेरे को अंदाजा बताओ कि 450-450 गाड़ियाँ कितना पैसा बन गया दिन का, ये तो 50-60 हज़ार रुपये यहीं से कमा रहे हैं, 60 हज़ार रुपये यहीं से कमा रहे हैं रोज के। सही, उन लोगों ने बेदार किया, मतलब आप 2000 तो दिहाड़ी निकाल के होंगे ना गाड़ी से? अरे कहाँ से 2000 रुपये भाई, अच्छा तो ये तो लोग गाड़ी की बचत है, 800 रुपये हमारी दिहाड़ी है। अच्छा कितने आप डोन लगाते हैं तो 800 रुपये मिलता है आपको? तीन आप डोन लगाते हैं तो आपको यहाँ से जाना, 2 घंटा आना, अच्छा फिर 2 घंटा जाना, फिर 2 घंटा आना, फिर 2 घंटा जाना, फिर 2 घंटा आना, ये कितने घंटे, मतलब 12 घंटे हो गए, 12 घंटे में आपको 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये तो 800 में आपका गुजारा कैसे होगा फिर? बस यार गरीब बंदे अगर नहीं करेंगे ये तो फिर ये 800 रुपये भी नहीं आएंगे बच्चों को, फिर क्या पट्टी खिलाएंगे? अच्छा और कुछ नहीं, ये 800 तो आ रहे सही, समझ में ये सोच के लगे हुए। और इसमें खुआरी कितनी होती है गाड़ी में आने जाने? अभी आपको मालूम है यहाँ तो भाई मैं ना अल्लाह के फजल करम से आपको अपने आप को ना ड्राइवर भी समझता हूँ और मिस्त्री भी समझता हूँ, सही, मगर यहाँ पर इस लेन के अंदर, सिर्फ इसी लेन के अंदर सही ऐसा निज़ाम है कि ना गद्दा और घोड़ा एक बराबर है, अच्छा इज्जत नहीं है। अब मैं बकरा पीढ़ी में गाड़ी चलाता था ना, भले चाहे मेजर हो कर्नल हो कोई भी हो ना, जानवर लेके जा रहे हैं तो वो हमारे को बोलता था उस्ताद आराम से आइयो, सही भले वो मेजर है लेकिन यहाँ मगर हमारे को बोलता था उस्ताद आराम से आइयो भाई जानवर का देखभाल करते हुए, सही। अब यहाँ पर हम बड़े कितने भी बड़े उस्ताद हैं ना, वो बोलते चल भाई रे चला लेना, अच्छा रोटी नहीं मिलती, सही हम लोगों के लिए, हाँ जल्दी जाना है उसको 5 मिनट के लिए, वो फिर चीखे मारते हैं ओए जल्दी चला, जल्दी जाना है तो मेरे भाई 5 मिनट जल्दी घर से निकलो ना, सही बात है। हाँ गाड़ी है हमारी, ड्राइवर की इज्जत होती है, ड्राइवर को क्यों मतलब वो, हाँ ना यार फोर कहने का मकसद ये है कि अब हमारे को अगर हम लियाकत मार्केट तक सवारी नहीं लगी, सही हमारे तो 250-300 रुपये चले गए ना, जाहिर सी बात है हम तो यही कोशिश करेंगे पैसेंजर मिले हमारे को दे तो हम लियाकत मार्केट तक भी बना में, सही बात है। ये लोग चढ़ते हैं चढ़ने के साथ भाई चला ले, और मैं आपको बात बताऊँ जी ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन करेगा, ऐसा वो बंदा करता है जिसकी ना खुद घर के अंदर टक्के की इज्जत नहीं, हाँ वही लोफर बंदा, लोफर और ना टट्टू किस्म का, जो इज्जतदार स्टैंडर्ड पढ़ा लिखा अच्छा बंदा होता है ना, वो इज्जत से बोलता है कि यार उसका जॉब पे लेट हो रही है, समझ में ना आज मैं लेट हूँ। यहाँ तो फिर उन लोगों को खुद को ख्याल होता है कि यार गाड़ी वाले कभी सवेर कभी देर वो जल्दी निकलते हैं और अपना ना काम कर लेते हैं, सही बात है। ये कलाकार कराची है ना भाई, क्या मतलब जैसे ये तो वही बात हो गई ना, जेब में 10 रुपये पड़े हैं होटल पे जाके ओए चाय ले आओ, यही वाले लोग जो है ना, यही वाले लोगों से बड़े परेशान हैं, सही बात है, समझ नहीं और किसी से नहीं। अब ऐसे बंदों को बंदा उतार भी नहीं सकता क्योंकि रोजी है, नहीं उतारो ना फिर आगे से पता है क्या मोहल्ले में से तेरे को मतलब बोल बचन लेके उठा लिया, समझ नहीं उसको बोल बचन लेके उठा लिया, अब गाड़ी वाला तुम ड्राइवर रहे मजबूर है, उसने देखा कि यार मैं अगर अड़ाउड़ी करूंगा किसी ने शीशे पे पत्थर भी मार दिया तो 5,000 रुपये का नुकसान है, इससे अच्छा है 5,000 रुपये नुकसान करने से बर्दाश्त कर 5 चमाटे ही खा लो भाई, सही बात है बर्दाश्त कर, ये बात है नहीं तो नौज़बिल्लाह तकबर इस्तग़फ़िरुल्लाह ना, हमें ऐसे हमारे साथ वन बाई वन कोई भी सिंधी बच्चे हैं हम लोग, सही बात है सही बात है। अब कहने का मकसद है कि गाड़ी के ऊपर शाहरुख खान बिला वजह
को मेरे को उसको बोल बचन, अबे गाड़ी वाला ये बड़ा बदमाश है, ये फलाना टिंगना इधर उधर करा के पता नहीं कौन कौन से दो चार लड़के ले आए। वो लड़के फिर पता है क्यों आते हैं? लोफर ही होते ना वो। नहीं, वो लड़के जो आते हैं, मैं आपको खुल्लम खुल्ला यूट्यूब पे इसलिए बोल रहा हूँ, वो लड़के जो आते हैं ना भाई, सीधी बात है, वो लड़के ड्राइवर कनेक्टर से लड़ने के लिए नहीं आते हैं। दौड़ते हैं बच्चियाँ लेडीज जो गाड़ी के अंदर बैठी होती है ना, उनको शाहरुख खान बनाने। अब तुम्हारे को लड़ना है तो हमारे साथ उधर आके लड़ो ना, फिर इधर से क्यों आके बात करते हो? हाँ भाई क्या हुआ? अबे ड्राइवर उधर है तो तुम उधर आके बात करना भाई। शाहरुख खान बनने की कोशिश नाकाम करते हैं, हीरो बनने की। अब मेरा ये गुजारिश है कि भाई हीरो कम बना करो, तुम लोगों की भी माँ बहनें बैठती हैं, हमारी भी बैठती हैं। सही बात है। आज हम अपनी माँ बहनों का अगर ख्याल करेंगे ना तो कल दूसरा भी करेगा हमारे। तुम ऐसा नौज़ बिल्ला हमारा बोलते हैं यार, इसको ना बड़ा ही अपने आप को कलाकार समझता है, कलाकार हम समझते हैं। मैं आया हूँ दादू से, सही, मेरे को शलवार खमीज पहनना भी नहीं आती थी, इधर देखो ट्राउजर और ये पैंटें पहनी हुई, किसने सिखाई है? अबे तुम लोगों ने, तुम लोग बोलते हो कि ना हुक्मरान अच्छे नहीं है, तुम लोग खुद अच्छे हो गए तो हुक्मरान भी अच्छे आएंगे, और तुम लोग अगर खुद अच्छे होंगे ना तो ड्राइवर कनेक्टर भी अच्छे हैं। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, जैसे तुम लोग करोगे वैसे भरोगे मेरे भाई। कहने का मकसद है, अभी तुम लोग सोच रहे हो कि ना हम शाहरुख खान तो ये गलत है, मेरा गुजारिश है, समझ में ना। अभी देखते हैं हुकूमत क्या कर रही है। ग्रीन बसें तो आ गई, चल रही है भाई, चल रही है ना। वो माल्टा कलर की भी एक दूसरा इन लोगों ने ऐलान किया है, पता नहीं 70-75 गाड़ियां आई हुई हैं। सही। और ना 250-300 गाड़ियों का जो है ना वो उन लोगों का है, जब वो गाड़ियां पूरी हो जाएंगी ना तो पता नहीं अब यहाँ से खोपरा पार से रूट खुलेगा या कहाँ से खुलेगा, जहाँ से खुला हमारे को तो भाई यही काम करना है सारी जिंदगी। लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि भाई गरीब इज्जत से रहो, इज्जत से रहने दो, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो मेरी जान। नहीं चले भाई, आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं क्लोज, छोड़ता है ना बहुत बुरा। हम मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।